इसी तरह 20 करोड़ गरीब माताओं बहनों के जनधन खातों में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर किए गए। दोस्तों, बताते हुए आप लोगों को काफी खुशी हो रही है कि अगर आप लोग गरीबी रेखा में आते हैं, मोदी सरकार की जनधन योजना के अंतर्गत आपके परिवार को प्रति महीना 1,500 रुपए की धनराशि मिलेगी। आपको सिर्फ एक निशुल्क आवेदन करना है। आपको अगर नहीं पता है तो बता दें, हमारे देश में 14 करोड़ से अधिक परिवारों को जनधन योजना के अंतर्गत उनके जनधन खाते में पैसा मिलना चालू हो चुका है। और अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं करता है, आप लोग गरीबी रेखा में आते हैं, आपके परिवार को प्रति महीना 1,500 रुपए कैसे मिलेगा वो हम आपको बताने आ रहे हैं। आपको बता दें, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के गरीबों के लिए कई सरकारी योजनाओं को किया है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारे देश में अभी तक 30 करोड़ लोगों को खुद का मकान दिया गया है। प्रधानमंत्री उज्जवल योजना के अंतर्गत 12 करोड़ से अधिक परिवारों को फ्री में गैस सिलेंडर चूल्हा दिया गया है। आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत देश में 5 करोड़ से अधिक लोगों का 3,00,000 रुपए से अधिक का इलाज मुफ्त में कराया गया है। वैसे ही जनधन योजना के अंतर्गत मोदी सरकार ने लक्ष्य रखा है देश के गरीब परिवारों को आर्थिक मदद पहुंचाने का, लेकिन आपको योजना में जुड़ना होगा। देखिए, एक बात को समझ लीजिए, अगर कोई मोदी सरकार योजना चालू करती है, आपको आवेदन करने की सिर्फ प्रक्रिया पता होना चाहिए। आपको भी मुफ्त में मकान मिल सकता है, सिलेंडर मिल सकता है, गैस मिल सकता है, आपके घर को आर्थिक मदद मिल सकती है। और आप जनधन योजना के अंतर्गत आपके परिवार को 1,500 रुपये प्रति महीना कैसे मिलेगा, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपके पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए, जैसे किसी सरकारी बैंक में एक जनधन खाता होना चाहिए। आपका जनधन खाता नहीं है तो जनधन खाता निःशुल्क खुलता है, इस पर कोई भी रुपये नहीं लगता है। दूसरा, आपका जनधन खाता अगर पुराना हो गया उसको आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करा लीजिए। तीसरा, अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, ये वीडियो छोड़ दीजिए, ये वीडियो आपके काम का नहीं है। और अगर आप लोग टैक्स के दायरे में आते हैं तब आपको इस योजना में जगह ही नहीं मिलेगी। अगर आप लोग इन शर्तों के अंतर्गत आते हैं, कैसे आपके परिवार को हर महीना 1,500 रुपये मिलेगा, चलिए बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दें, हमारा चैनल देश के गरीबों के कल्याण के लिए रातों दिन काम कर रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं भारत सरकार जितनी भी सरकारी योजनाएं चालू कर रही है वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचा दें। बस आपसे इतना निवेदन है, चैनल सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग गरीबी एकता में विश्वास रखते हैं, वीडियो लाइक करके अपनी ताकत दिखाएं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें गरीब एकता जिंदाबाद। अब आपका हम समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करेंगे, बता दें मोदी सरकार ने देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चालू कर दिया है, जिसमें देश के किसानों को हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपये मिल रहे हैं। अब आपको बता दें, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को भी चालू कर दिया है। ये वो योजना है जिसमें आप लोगों को 18 साल से 40 साल के बीच में जुड़ना है। आपको प्रत्येक महीना 50, 100, 150, 200, 250, 300 रुपये देना होता है, जैसे आप स्कीम लेते हैं, जैसे स्कीम के अंतर्गत जुड़ते हैं। जब आपकी उम्र 60 साल हो जाती है तो आपको एक निर्धारित पेंशन मिलेगी, 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, जैसे आप लोग स्कीम लेंगे। तो मोदी सरकार की ये योजना सरकारी योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। इसके अंतर्गत आप लोग जुड़ के अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। आप लोग खुद देखिए, ये वीडियो कितना छोटा सा है लेकिन कितने काम का वीडियो है। इस वीडियो से आप लोग अपने ही नहीं अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। तो इस बात पर वीडियो लाइक करें, और गरीबी एकता में विश्वास रखते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय जवान, जय किसान, गरीबी एकता।